गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम मैथ्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 22 सिमेट्री एंड पैटर्न्स। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम सिमेट्री वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सिमेट्री होती क्या है? जैसे हमारी कोई भी शेप होती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वो इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि उसका जो हाफ पोर्शन है, जैसे मेरी अगर इस वाली बिल्डिंग का जो हाफ पोर्शन है वो इस वाली बिल्डिंग जो इसका सेकेंड पोर्शन है उसके बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, वेट में भी, साइज में भी, और जो साइड में पूरा उसका ग्राफ आ रहा है उससे इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल शेप्स और फिगर्स होती हैं। वो शेप्स और फिगर्स जो दोनों साइड से अगर हम उनको हाफ डिवाइड करते हैं तो वो दोनों साइड से इक्वल तरीके से नजर आते हैं। सो जैसे ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री हमें क्या हेल्प करती है? ये बताने में कि कोई भी फिगर जो है वो इक्वल है या फिर नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई बनाई है और मैंने बटरफ्लाई को यहाँ पे हाफ पोर्शन में डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला? जो ये हाफ वाली बटरफ्लाई की फिगर है वो दूसरी हाफ वाली बटरफ्लाई की फिगर के सेम होगी। ऐसे ही हम कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे ट्रायंगल है, ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल को हाफ फोल्ड करूँगी इस तरीके से, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो ट्रायंगल है एक दूसरे के ऊपर पूरा अच्छे से आ गया है। इसका मतलब ये ट्रायंगल जो है सिमेट्रिकल शेप है। अगर हम इसे इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो ये इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी उसकी वजह से ये पूरा सेम इक्वल डिवाइडेड होगा। ठीक है, ऐसे ही एक और फिगर देखते हैं। जैसे ये मेरा यहाँ पर फ्लावर है, तो अगर मैं इस फ्लावर को इस तरीके से हाफ ऐसे डिवाइड करूँ तो जो ये पूरा फ्लावर है ये इक्वल डिवाइडेड है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी फ्लावर को इस तरीके से करूँ तो आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा थोड़ा बाहर से साइड में जा रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी इसमें ये वाली नहीं है, इसमें हमारी ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो कोई भी फिगर हो सकती है कि किसी एक साइड से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो वो सेम जा रही है, लेकिन जब आप दूसरी साइड से डिवाइड कर रहे हो तो वो इक्वल नहीं जा रही है। तो इसी तरीके से हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हेल्प करता है? लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हेल्प करता है ये बताने में कि जो फिगर है वो इक्वली डिवाइड है। जैसे ये वाली हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो ये डिस्क्राइब करे कि जो ऊपर वाला ट्री है और जो उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है वो बिल्कुल सेम है। ऐसे ही जो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री थी, ये वाली हमारी ये डिस्क्राइब करे कि हमारी जो हाफ बटरफ्लाई की फिगर है वो दूसरी वाली हाफ फिगर से बिल्कुल इक्वल है। ऐसे ही हमारे कुछ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे ए है, ठीक है, अगर मैं इसको हाफ डिवाइड करना चाहूँ, जैसे अगर मैं इस ए को ऐसे फोल्ड करती हूँ तो ये हाफ डिवाइड हो गया। इसका मतलब जो ये वाली लाइन थी ये हमारा वर्टिकल होता है, तो ए की जो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है वो कौन सी है? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। और ऐसे ही बहुत तरीके के हमारे अल्फाबेट्स होते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे आई है, अब मैंने इसको हाफ ऊपर कलर किया है और नीचे वाले में कलर नहीं किया है, ये दिखाने के लिए कि अगर मैं इसको फोल्ड भी करती हूँ सेम तरीके से तो ये बिल्कुल बराबर आया है, तो यानी कि हमारे लेटर को ये बिल्कुल हाफ डिवाइड कर रहा है इस तरीके से। ऐसे ही हमारे पास ई है, ई को हमने यहाँ पे हाफ फोल्ड किया है अभी, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे इसको, आपको दिख रहा होगा फोल्ड करने के बाद ये बिल्कुल इक्वल आ रहा है ना, तो ये हमारी कौन सी लाइन थी? हॉरिजॉन्टल लाइन थी जो इस तरीके से जा रही है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी कौन सी दो टाइप्स की लाइन होती है। लाइन सिमेट्री इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो हमारे पास एक वर्टिकल लाइन होती है जो हमारे अल्फाबेट्स को लंबाई में इस तरीके से डिवाइड करती है, जैसे हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर हम इन अल्फाबेट्स को हाफ, जैसे मैंने अभी फोल्ड किया था, उस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये इक्वली डिवाइडेड होंगे। ऐसे ही सेकेंड हमारी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी कौन सी लाइन होती है? जो हमारी इस तरीके से जाती है, डिवाइड करती है अल्फाबेट्स को। और एक होती है जिसमें हमारे दोनों लाइनें भी आ सकती है, जैसे हमारा अल्फाबेट एच, अगर मेरे पास यहाँ पे मैंने एच रखा है, ठीक है, और एच को अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करती हूँ तो एक को हम ऐसे हॉरिजॉन्टल पे डिवाइड करेंगे तो भी इक्वल आएगा और वर्टिकल पे डिवाइड करेंगे तो भी इक्वल आएगा। तो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स भी इस तरीके से डिवाइड होते हैं। अभी तो हमने यहाँ पे देखा कि एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन थी और इसमें आपको नजर आया कि हमारे पास दो लाइन्स हैं, तो हम किसी एक फिगर को या किसी एक अल्फाबेट को मोर देन वन लाइन से भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे, जैसे मैंने H का बताया, H को हम टू पार्ट्स में बहुत आराम से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारी मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री हुई। अगर हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री से डिवाइड कर सकते हैं, तो जिससे उसका हर पोर्शन जो है वो इक्वल नज़र आएगा। तो मोर लाइन्स का मतलब भी क्या है कि हर एक जो पोर्शन हमारा ये आ रहा है वो इक्वल नज़र आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, सो अब हम अपने क्वेश्चंस करते हैं। तो
और द लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो हमारे पास यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको नजर आ जाएंगे. हमें क्या करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी. जैसे हमारे पास यहाँ पे एक फैन है, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, इसमें आपको दिख रहा है ये हमारे पास इस तरीके से हो रखा है. तो हमें यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ करके उसको डिवाइड कर सकते हैं, और अगर आपको दिख रहा है कि एक से ज़्यादा लाइंस ड्रॉ होंगी तो हम वो भी कर सकते हैं. तो लाइन ऑफ सिमेट्री वाली जो होगी, हम इस तरीके से डॉटेड यूज़ करके उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है. जैसे मैंने अभी इसको ऐसे डिवाइड किया, ऐसे डिवाइड किया और ऐसे डिवाइड किया. तो यहाँ पर मैंने थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री यूज़ करी इस फिगर को डिवाइड करने के लिए. ऐसे ही नेक्स्ट पे देखते हैं, हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है. इस सर्कल को अगर मैं डिवाइड करूँगी तो चाहो तो मैं इसको इस तरीके से भी डिवाइड कर सकती हूँ, हाफ हो गया, ठीक है. इसमें चाहो तो मैं एक लाइन और ड्रॉ कर सकती हूँ, क्योंकि ये हमारा सर्कल है. हम इसको कितने भी पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये सेम ही हमारा उस तरीके से आएगा. अब जैसे हमारे पास यहाँ पे ये वाली फिगर है, अब इसको देखो आप ध्यान से. ये जो है, अगर मैं इसको ऐसे वर्टिकली डिवाइड करूँगी तो ही ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी. अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता तो वो गलत हो जाएगी. तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन आएगी इस तरीके से, ठीक है. ऐसे ही नेक्स्ट वाले में हमारे पास यहाँ पे ये ही वाली ये लाइन आ सकती है. ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है, और इससे ज़्यादा भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है जो हमारे फिगर को इक्वली डिवाइड करती है. आपको करते टाइम क्या ध्यान रखना है, फिगर को अच्छे से, आपको फिगर को बस ये देखना है कि जो फिगर है वो इक्वली पार्ट्स में डिवाइडेड होनी चाहिए. अगर किसी भी लाइन की वजह से वो इक्वल डिवाइड नहीं होगी तो इसका मतलब आपने गलत किया है. जैसे हमारे यहाँ पे एक ही आ रही थी तो हमने एक ही डाली है, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं डाली, ठीक है. ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर्स. तो अब मेरे पास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बीच में एक डॉटेड लाइन ऑफ सिमेट्री है. जो हम लाइन ऑफ सिमेट्री है वो इस तरीके से डॉटेड तरीके से ही शो करते हैं, और हमारे पास हाफ फिगर बनी हुई है. हमें क्या करना है, दूसरी साइड के फिगर को कंप्लीट करना है, ठीक है. जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था, हमारे पास ये फ्लावर था. अगर मैं इसको हाफ ऐसे करूँ और मैं चाहूँगी इसकी फिगर को पूरा करना, तो सेम जो इधर मार्जिन आ रहे हैं हमें उधर वो सेम ड्रॉ करने होंगे. तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे. तो हम साथ साथ देखते जाएंगे कि कहाँ पे क्या क्या, कौन से कर्व और कौन सी लाइंस आ रही हैं, उस तरीके से फिगर को पूरा कर देंगे. तो ये हमारी फिगर अब पूरी हो चुकी है, ठीक है. आपको वन पार्ट को ध्यान से देखना है और साथ साथ उसके बिल्कुल ड्रॉ करते हुए चले जाना है, ताकि वो जो है सेम फिगर बने. ऐसे ही ये वाली, इसमें हम यहाँ पे पहले ये बटरफ्लाई का ऐसे फेस बनाएंगे, और उसके बाद ये बिल्कुल जैसे इसमें बना हुआ है उसी तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हुए चले जाएंगे, ठीक है. ऐसे ही नेक्स्ट वाली देखते हैं. अब यहाँ पे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो भी हमें सेम उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमारा उसमें जा रहा है. तो साथ साथ आप लाइन के जाओगे तो आपकी जो फिगर है वो बिल्कुल सेम ही ड्रॉ होगी. तो ये हमारे दो क्वेश्चन हैं जो लाइन ऑफ सिमेट्री में हमें करने हैं. तो अभी हम पैटर्न देखेंगे. अभी हमने थोड़े बड़े सिमेट्री पढ़ा था, पैटर्न को कैसे करते हैं. हमारे पास दो टाइप के पैटर्न होते हैं, एक तो पिक्चर पैटर्न होता है, एक नंबर पैटर्न होता है, ठीक है. हमें आइडेंटिफाई कराना होता है जो हमारा सेकेंड वाली पिक्चर आ रही है, नंबर आ रहा है, वो पहले वाले से किस तरीके से रिलेटेड है और किस तरीके से आ रहा है. तो अभी यहाँ से हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. स्टडी द पैटर्न केयरफुली एंड कम्प्लीट इट. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें पैटर्न को अच्छे से स्टडी करना है, देखना है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद हमें अपने आगे की उनको ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, 15. तो जब हमने इस पैटर्न को और अच्छे से देखा तो हमें क्या नजर आया कि हमारा 3 का टेबल चल रहा है ना. 3 times 1 is 3, 3 times 2 is 6. तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया. तो अब हमने ये आइडेंटिफाई लगा लिया कि ये हमारा 3 का टेबल है, तो हम आगे के जो ब्लैंक्स हैं उसको बहुत आराम से कंप्लीट कर सकते हैं. सो अब यहाँ पे हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15 के बाद हमारे पास टेबल में क्या आता है, 18, 21, 24. तो ये हमारा पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया. ऐसे ही नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे पास एक फिगर पैटर्न है. सबसे पहले एक सर्कल है, रेक्टेंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, सर्कल. तो नज़र आ रहा है हमारा सेम जो है रिपीटिंग पैटर्न है. तो सबसे पहले सर्कल के बाद रेक्टेंगल आएगा, और रेक्टेंगल के बाद सर्कल आएगा. तो यहाँ पे अगर हमारे पास सर्कल है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा, रेक्टेंगल, फिर सर्कल, फिर रेक्टेंगल. अब थर्ड वाले में आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास देखो इसमें 2 boxes हैं, फिर ये 1, 2, 3 हो गए, फिर 1, 2, 3, 4 हो गए. तो ये हमारा इंक्रीजिंग पैटर्न है, हमारा हर बार जो है एक बॉक्स इंक्रीज हो रहा है. तो सबसे पहले 2 थे, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए. तो नेक्स्ट हमारे पास
तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब यहाँ पे 6 के बाद नेक्स्ट कितने आएंगे, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इस तरीके से ये हमारा जो है इंक्रीजिंग वाला पैटर्न कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक और नंबर पैटर्न है जिसे 5, 11, 16। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारे पास अलग 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 नंबर है, तो हम क्या चेक कर देंगे कि जो फर्स्ट और ये वाले नंबर है ये आपस में किस तरीके से रिलेटेड है। जैसे 5 है हमारे पास पहले, 11 है और यहाँ पे 16 है ना, तो अगर मैं 11 में 5 को क्या करती हूँ, ऐड करती हूँ, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 16 आएगा। तो इसका मतलब जब मैंने पहले दो जो टर्म्स हैं उनको ऐड किया तो मेरा नेक्स्ट वाला जो है वो कम्प्लीट हो गया। तो ऐसे ही इस वाले ब्लैंक को कम्प्लीट करने के लिए मैं क्या करूँगी, जो इससे पहले हमारे पास दो नंबर होंगे 16 और 11, इन दोनों को क्या करूँगी, ऐड करूँगी। तो 16 और 11 को जब मैं ऐड करूँगी तो 6 और 1, 7, 1 और 1, 2, 27 आ गया। ऐसे ही अब नेक्स्ट वाला जब मुझे फिल करना है तो मैं किसको ऐड करूँगी, इन दोनों नंबर्स को। तो जब मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा आंसर, 43। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्या करते जाना है, जब हमें नेक्स्ट ब्लैंक चाहिए तो उससे पहले के दो जो ब्लैंक होंगे हमारे उन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो ऐसे ही जब मैंने इन दोनों को प्लस किया तो यहाँ पे क्योंकि अब मेरे पास ये दोनों ब्लैंक, ये दोनों नंबर्स है, टर्म्स है और मुझे नेक्स्ट वाले फिल करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 70 आ गया। तो इस तरीके से मैंने पहले दो टर्म्स को ऐड किया है और ये हमारा 70 आ गया। ऐसे सेकंड क्वेश्चन, तो अभी हम यहाँ सेकंड क्वेश्चन करेंगे। वन टर्म इज मिसिंग इन ईच पैटर्न, चूज द आंसर। हमारे हर पैटर्न के अंदर जैसे आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक जो टर्म है वो मिस है यहाँ पे, ये वाला हमें उसको करेक्ट चूज करना है कि कौन से वाला जो है हमारा आंसर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट फिगर में देखा ये हमारा इस तरीके से स्लांटिंग गया, फिर सीधा हुआ, फिर हमारा दोबारा से स्लांटिंग हो गया, और जब हम इसको नेक्स्ट पैटर्न में मूव करेंगे तो ये हमारा अभी अगर ऐसा है तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और हमारे जो इसके जो डॉट्स है वो ऐसे आएंगे, तो इसका मतलब जो हमारे ये वाला आंसर है वो वाला हमारा आंसर यहाँ पे इस तरीके से आएगा। तो आपको ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ठीक है, सही वाली उसको वहाँ पे टिक करना है और जो सही फिगर है उसको यहाँ पे ड्रॉ भी करना है ताकि पता चल जाए कि कौन सा वाला सही आंसर है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे 2, 2, 2, 2 बॉक्सेज हैं। ठीक है, तो जैसे ये बॉक्स है 1, इसमें ऊपर 1 दिख रहा है, नीचे 6 है, 2 और यहाँ पे 5, 3 और 4। ऐसे ही नेक्स्ट वाली जो है वो दो हमारे मिसिंग है, तो ये किस तरीके से जा रहे हैं, ऊपर वाला देखेंगे 1, 2, 3, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने आएंगे हमारे, 4 आ जाएंगे, है ना। ऐसे यहाँ पे 6, 5, 4, तो ऊपर वाला तो प्लस हो रहा था, एक एक बढ़ रहा था, और नीचे वाले में क्या हो रहा है, हर एक में एक एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 6, 5, 4, तो नेक्स्ट में कितना आएगा हमारा, 3 आ जाएगा। तो ये वाला हमारा आंसर है जिसमें ऊपर 4 आएगा और नीचे 3 आएगा। तो यहाँ पे हमें वही देखना है कि हमारा कौन सा वाला ऑप्शन है जिसमें ऊपर 4 है और नीचे 3 है, जैसे ये है, तो ये वाला हमारा राइट आंसर है। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ भी किया और वहाँ पे टिक भी किया है। तो इस तरीके से हमारा जो ये पैटर्न और सिमेट्री वाला चैप्टर है उसकी क्वेश्चंस हम लोगों को इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। थैंक यू।